बच्चों, कल हम लोग नीलू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके बारे में बताया गया है कि वह बहुत ही विचित्र स्वभाव का स्वामी था। अगर प्यार से कोई चीज़ खाने के लिए दी जाती थी तो बड़े आराम से खाता था, लेकिन अगर वही सामान जो उसे बहुत ही पसंद क्यों नहीं हो फेंक कर दिया जाए वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। अगर कोई उसे वो डांट देता तब जब तक महादेवी वर्मा उसके पुचकारती नहीं, दुलारती नहीं, तब तक वह रूठा रहता था। उनके पुचकारने के बाद ही वह अपने हठ को छोड़ता था और फिर वह सामान्य जिंदगी में आ जाता था। वह 12 साल से महादेवी वर्मा के पास रहता आया था। इस बीच उसने उनके सारे मित्रों को पूरी अच्छी तरह से पहचान लिया और जब भी कोई उनका विशेष मित्र आता था वह अपने बैठने के स्थान से उठता था और जाकर उनके कमरे के भीतर खड़ा हो जाता था। जब वो जाता महादेवी वर्मा उसको देखकर कहती कि चलो मैं आ रही हूँ, तब फिर वहाँ से वह उल्टे पांव वापस होता और अपने बैठने की जगह पर जाकर वह बैठ जाया करता था। उसके आगमन का मतलब था कि महादेवी वर्मा का कोई मित्र उनसे मिलने के लिए आया हुआ है और यह बात वो समझ जाती थी। ठीक उसी प्रकार से नीलू के अंदर भी यह गुण था कि वह ध्वनि को पहचानने की क्षमता रखता था। अगर वह किसी सड़क के ऊपर टहल रहा हो, कोई कह दे अरे नीलू तुम यहाँ घूम रहे हो और तुम्हारी मालकिन या गुरुजी, जिसे उनको कहा जाता है गुरुजी, अगर कोई कह दे कि गुरुजी तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम इधर घूम रहे हो, इतना सुनने के बाद वह छलांग मारता हुआ बड़ी तेजी के साथ घर के अंदर आता और जाकर वह महादेवी वर्मा के सामने जाकर खड़ा हो जाता था। महादेवी वर्मा के सामने जाने के बाद जब तक वो नहीं कहती थी कि जाओ मुझे कोई काम नहीं है तुम आराम करो, तब तक वो वहीं खड़ा रहता था उनके आदेश को सुनने के लिए। जब कह देती कि जाओ अभी कोई काम नहीं है तो फिर वहाँ से निकलता था और अपने बैठने की जगह पर जाकर आराम करने लगता था। उस भुटिया जाति का गुण है कि बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का होता है, बड़ा ही हिंसक होता है, किसी भी जानवर को चीड़ फाड़ देना उसके बाएं हाथ का खेल होता है। वह बड़े हिंसक प्रवृत्ति का कुत्ता होता है जो मार पीट दंगा फसाद में ज़्यादा लगाव रखता है, पसंद करता है। और एल्सेशियन का भी गुण होता है कि वह आखेट प्रिय होता है, शिकारी होता है। अपने माता और पिता का दोनों गुण, एक तो शिकार करना और दूसरा हिंसक प्रवृत्ति का होना, इन सारे गुणों से बिल्कुल अलग थलग था। उसके अंदर ये दोनों गुणों का अभाव पाया जाता था। वह इसके बदले बड़ा ही सहृदय, सहायता करने वाला और लोगों सहायक जानवर के रूप में जाना जाता था। कभी किसी के ऊपर वह झपटता नहीं था, न किसी दूसरे जानवरों के ऊपर शिकार के लिए कभी हमला करता था। यहाँ तक कि उन जानवरों को, जिन जानवरों को महादेवी वर्मा ने पाला था, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वो हमेशा सजग रहता था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि मेरे बंगले के रोशनदान को प्रायः गौरैया अपने घोंसले बना लिया करती थी और उन घोंसलों में जब वो अंडे देती थी, उन अंडों से बच्चे निकलते थे और बच्चे जब छोटे छोटे पंख धारण कर लेते थे तब उनको उड़ने की ललक पैदा होती थी और वह उड़ने की कोशिश में कभी कभी ऐसा होता कि रोशनदान से नीचे फर्श पर गिर जाया करते थे। जब वह बच्चे अपने घोंसलों से नीचे गिरते थे और उसका शिकार कोई दूसरा जानवर, बिल्ली या दूसरा कोई पक्षी कर ले, उससे पहले अगर नीलू उसे देख लेता था तो एक सजग पहरेदार की तरह, एक रक्षक की तरह उसके पास जाकर वो खड़ा हो जाता था। उसके भय से जितने भी कुत्ते थे, उसके शरीर की बनावट इतनी गजब की थी कि जिसको देखने के बाद कोई भी जानवर उसके करीब फटकने की चेष्टा नहीं करता था। बड़े बड़े कुत्ते भी उससे थर्राया करते थे, बिल्लियों की तो कोई बात ही नहीं थी।
जब वो चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से नीचे गिर जाता था, तब उसकी प्राण रक्षा करने के लिए वह एक सजग पहरेदार की तरह उसके आसपास हमेशा खड़ा रहता था और उसकी देखरेख किया करता था, जब तक कि कोई आदमी आकर उस बच्चे को उठाकर उस घोंसले के अंदर रख नहीं देता था। तब तक वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वहीं पे खड़ा रहता था, और जब उस बच्चे को उस घोंसले के अंदर डाल दिया जाता था, तभी वह वहाँ से फिर दोबारा अपने बैठने के स्थान पर चला जाता था। अगर कभी ऐसा होता कि देर हो जाती, अगर कोई नहीं आ पाता था, तो उस बच्चे को उसकी जान बचाने के लिए वह बड़े प्यार से अपने मुंह में उठा लिया करता था, उसको बड़े प्यार से अपने मुंह में दबाए के उठा लेता था और लाकर मेरे हाथों में धीरे से दे दिया करता था। मैं देखते ही समझ जाती थी कि यह इस बच्चे को घोंसले में रखने के लिए मुझसे कह रहा है, और मैं अपने आदमियों को बुलाती थी, रोशनदान के ऊपर सीढ़ी लगवाती थी और उस बच्चे को मैं घोंसले के अंदर रखवा देती थी। यह देखकर वह बड़ा खुश होता था और बड़ी खुशी खुशी वह वहाँ से फिर वापस चला जाता था। महादेवी वर्मा बताती है कि मैंने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे, उन जानवरों में मोर, खरगोश भी पाले हुए थे। उन जानवरों को मैं सुबह उठती थी और दाना पानी देने का काम खुद किया करती थी, चाहे जाड़े का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो। उन सारे मौसमों में जब भी मैं अपने कमरे से बाहर उन जानवरों को दाना खिलाने के लिए निकलती थी, मुझसे पहले मेरा पहरेदार वहाँ खड़ा नजर आता था। कौन खड़ा आता था नजर? वह नीलू नाम का जो कुत्ता था, वह वहाँ दरवाजे के पास बिल्कुल खड़ा नजर आता था। वह अपने कमरे से बाहर निकलती और दाना पानी लेकर उन जानवरों की तरफ, उनके बने हुए घरों की तरफ चल देती थी। लिखती है कि पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। उन्होंने बहुत सारी चिड़ियाओं को पाला था। कहती है कि दीवार के ऊपर जाली लगी हुई थी, 2 फुट ऊंची जाली लगी हुई थी। वह क्या करता था कि जब मैं चिड़ियों को दाना डाला करती थी, वह अपने अगले दोनों पंजे को उठाकर चार दीवारी के ऊपर रख देता और अपनी पैनी और तीक्ष्ण निगाहों के साथ उन चिड़ियों का निरीक्षण करना शुरू कर देता था। वह सतर्क नज़रों से चारों तरफ देखता रहता था और उनकी निगरानी का काम किया करता था। इसी प्रकार से दूसरे जो जानवर होते थे, उन जानवरों के पास भी जब मैं दाना डालने जाती थी, खाना लेकर जाती थी, तो उन जानवरों की देख रेख में भी वह बिल्कुल मेरे साथ साथ रहता था। ऐसा मालूम होता था कि कोई पहरेदार उनके परेशानियों को महसूस कर रहा है या उनकी हिफाजत करने के अंदाज को देख रहा है कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है या कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसे कोई दिक्कत महसूस हो रही है। वह बिल्कुल एक माँ बाप की तरह जिस प्रकार से अपने बच्चे की देख रेख की जाती है, उसी प्रकार से उनकी देख रेख भी किया करता था। जब मैं बाहर निकलती थी तो वो हमेशा, चाहे गर्मी का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे साथ नहीं गया हो। और जब मैं दाना डालती थी, उस समय वह एक सजग प्रहरी की तरह उनकी निरीक्षण को किया करता था, उनकी देख रेख किया करता था। ठीक है, आज यही तक रहने दीजिए, फिर अगले दिन थोड़ा सा और बाकी रह गया है, इसको हम आप लोगों को समझा देंगे। कहानी थोड़ी बड़ी है इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है।